पढ़ना, चलिए तो आज पढ़ लीजिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो लैंड का यूटिलाइजेशन का दैट इज़ द लैंड यूज पैटर्न। इंडिया में जो लैंड है अगर उसको क्लासिफाई करेंगे तो क्या क्लासिफिकेशन निकलती है उसकी? जो फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था दैट वॉज फॉरेस्ट है और एक नेट जोन एरिया। मेजर तो दो ये हैं, फॉरेस्ट कवर है हमारे पास और दूसरा द लैंड फॉर एग्रीकल्चर फॉर कल्टीवेशन, वो है नेट जोन एरिया। जो बाकी रह गया है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन वो कौन कौन सी हो सकती है? नॉन एग्रीकल्चर या बैरन। नॉन एग्रीकल्चर यूज का मतलब क्या है? विच इज बीइंग यूज्ड फॉर सेटलमेंट्स। लैंड बहुत अच्छी है, इट्स ऑफ गुड क्वालिटी, कल्टीवेशन हो सकती है बट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? चंडीगढ़ उस पर आपने क्या कर दिया है? सेटल कर दिया है, ठीक है, पंचकुला सेटल कर दिया और अब यहाँ पे चंडीगढ़ एक्सपेंड कर रहे हैं, मोहाली एक्सपेंड कर रहे हैं, वो सारा क्या है? कल्टीवेबल लैंड है सारी। बट अब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं इसको। क्या अर्बनाइजेशन हो रही है? वो अर्बन स्प्रॉल हो रहा है कि अर्बन फैल रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, फाइन। और ये क्या है? बैरन लैंड है या अनकल्टीवेटेड लैंड है। बैरन लैंड कौन सी होती है? विच इज नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, फिर कभी नहीं होगी इस पर, हो सकती है वंस ए वाइल, वंस इन फाइव ईयर, वंस इन टेन ईयर, उसको भी हम क्या कहते हैं? बैरन ही कहते हैं, ठीक है। अदर कौन से हो गए? एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, पास्चर्स, ट्रीज एंड ग्रोव्स, वो इसमें कर लेते हैं ट्रीज एंड ग्रोव्स। और पास्चर लैंड, पास्चर लैंड क्या होते हैं? सुना होगा आपने पास्चर लैंड, डाउट है किसी को पास्चर लैंड में? ठीक है। और उसके अलावा फॉलो फॉलो लैंड, फॉलो लैंड कौन से होते हैं? जो अल्टरनेट ईयर्स पे कल्टीवेट किए जाते हैं, दे आर फॉलो लैंड, फाइन। तो इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। अगर इसका पैटर्न की बात करें, जो यूटिलाइजेशन है तो ये 2014-15 का डाटा है, लेटेस्ट नहीं था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देखना पड़ेगा? नंबर वन ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। और अभी ये इंक्रीज हो चुका है, वो शायद हमने पढ़ा था 24.56 हो चुका है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन बनाएंगे हम, चिंता ना कीजिए, पढ़िए, एनालाइज करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। मेंस के तो बना रहे हैं, आप लोग प्री का भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पता लगे मैं क्वेश्चन डिस्कस करता रह गया, मेंस की सबकी तैयारी होगी और प्री का कुछ नहीं आता किसी को, ऐसा ना हो। रीजन कि फैक्ट्स हम पढ़ते ही नहीं, कॉन्सेप्ट्स तो हम क्लियर कर लेते हैं सारा, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। कभी पता लगा कि इंडिया में कितनी स्टेट्स है पता नहीं है, हम ये बता देंगे रीजन क्या इतनी स्टेट्स होने का, बट ये नहीं पता कितनी स्टेट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। करते कि नहीं करते अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू किया आपने? एमसीक्यूज आई एम टॉकिंग अबाउट। कैसे चुप हो गए? इसका मतलब कोई नहीं कर रहा है अभी, लेसन्स के साथ में लगे हुए ना एमसीक्यूज, कीजिए उनको, किसके लिए हैं? मुझे लगता है, मुझे लगता है आप लोगों के लिए है ना, उनको कीजिएगा, प्लीज कीजिएगा। अगर वो दिल ना करे करने का तो चाय पी लीजिएगा, फिर शायद दिल कर आएगा, या प्रीवियस ईयर पेपर उठा के कीजिए जरूर, अटेम्प्ट जरूर कीजिए। जितने आप एमसीक्यूज करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मेंस की तैयारी उतनी अच्छी होगी, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें पता है कि लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज क्या है, बैरन एंड वेस्टलैंड क्या है, पास्चर्स क्या है, ट्री एंड ग्रोव्स क्या है, कल्चर एंड वेस्ट क्या है, करंट फॉलो अदर देन करंट फॉलो, ये सारी चीज़ें पता है। और आपको ये थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा इन चीज़ों का, ये 100% है। इसका किसका इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है, कि एरिया अंडर फॉरेस्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और नेट सोन एरिया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। नेट सोन एरिया इज बीइंग डिक्रीजिंग, वाई?